हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली की स्पेशल चाशनी वाली मावा गुजिया रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे खस्ता सॉफ्ट बनेगी। और आज हम इसे बनाएंगे मोल्ड विदाउट मोल्ड दोनों तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इस होली पर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन ताकि इसमें आसानी से हम डो लगा सकें। और इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। 1 चुटकी डाल रही हूँ मैं इसमें नमक चीनी को बैलेंस करने के लिए। और अब इसे एक बार कर लें मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे घी। घी ना ही ज़्यादा जमे हुए फॉर्म में होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मेल्टेड होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे 5 चम्मच घी। घी डालने के बाद हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करें। और अब हम इस तरह से हाथों से एक बार इकट्ठा करके देखेंगे। और ये देखिए अच्छे से शेप नहीं बन रही है, यानी कि हमारा घी थोड़ा सा इसमें कम है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच और घी। और 2 चम्मच घी डालने के बाद अब हम इसे फिर से करेंगे अच्छे से मिक्स। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी से क्या होता है ना, काफ़ी अच्छी खस्ता बनती है गुजिया और काफ़ी टेस्टी बनती है। और अब हम इस तरह से देखेंगे तो देखिए बिल्कुल अच्छे से शेप ले रहा है, बिल्कुल परफेक्ट घी है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और एक डो बना के तैयार करें। डो हमारा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। गुजिया के लिए परफेक्ट डो लगना ज़रूरी है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें पानी। और ये देखिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, तो इस तरह से आपका डो होना चाहिए। डो लगाने के बाद अब इसे ढककर रख दें साइड में। और अब हम बनाएंगे गुजिया की स्टफिंग। और इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चौपके हुए ड्राई फ्रूट्स। और मैंने यहाँ पे पिस्ता बादाम काजू लिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप नारियल का बुरादा। अब इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए चलाते हुए भुने। जब हम इसे भूनते हैं ना तो इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। हमें इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा इसे भूनना है। और ये लीजिए 1 मिनट हो चुका है, तो अच्छे से भून चुके हैं। तो गैस को कर देंगे ऑफ। और अब इसे डालें एक बोल में और थोड़ा सा होने दें इसे ठंडा। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मावा। मैंने यहाँ पे होममेड मावा का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मार्केट वाला है और थोड़ा सा सॉफ्ट है तो उसे कढ़ाई या पैन में डालें और थोड़ा सा उसे भून लें। मावा डालने के बाद हाथों से अच्छे से कर लेंगे इसमें मिक्स। और ये लीजिए अच्छे से कर लिया इसे मिक्स। और ये हमारी गुजिया की फिलिंग हो गई है तैयार। और अब हम बनाएंगे चाशनी। इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन और इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। चीनी डालने के बाद जिस कप से आपने चीनी डाली है उसी कप से हम डालेंगे पानी। और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाली है और 1/2 कप से थोड़ा सा कम और पानी इसमें डालेंगे, यानी कि हमारी 1.5 कप चीनी है तो उसमें से 1.5 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें डालें। और अब इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसकी 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए बस। उबाल आने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। और अब हम कलर के लिए थोड़े से डाल देंगे इसमें केसर के धागे। अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल दें, अदरवाइज इसे स्किप करें। और अब हम इसे कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद अब हम इस तरह से इसे चेक करेंगे। हमें इसका 1 तार या 2 तार बिल्कुल नहीं बनाना है। इस तरह से आप देख रहे हो थोड़ी सी चिपचिपी है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी बन के तैयार हुई है। और अब हम इसे ढक कर रख देंगे साइड में ताकि हम जब इसमें गुजिया डालें तो हमारी चाशनी थोड़ी सी गर्म रहे। चाशनी बनाने के बाद अब हम लेंगे गुजिया का डो जिसे काफ़ी टाइम हो चुका है रेस्ट करते हुए। तो इस तरह से हाथों से एक बार मसल ले से। और अब इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ इस तरह से तोड़ लें। 2 कप मैदा से कम 15 से 16 हमारी गुजिया बन जाती है इस तरह से। और अब हम लेंगे एक पेड़ी और इस तरह से लोई बनाए। जिस तरह से हम पूड़ियों को बेलते हैं ना उसी तरह से इसे बेल लें। इसे ना ही ज़्यादा थिक रखें और ना ही ज़्यादा पतला रखें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए
बिल्कुल इतना ही हमें इसे बेलना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच फिलिंग। फिलिंग डालने के बाद दोनों किनारों को इस तरह से पकड़े और हाथों से प्रेस करते हुए इसके किनारे को कर दे सील। इस तरह से हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको बंद करें, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं ना तो खुलने का काफ़ी डर होता है। अच्छे से किनारे को बंद करने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे डिजाइन। डिजाइन बनाना काफ़ी ईजी है, तो इस तरह से हम किनारे को लेंगे और फिर कर लेंगे इसे फोल्ड। और इसी तरह से हम फिर से पकड़ेंगे किनारे को और फिर से करेंगे इसे फोल्ड। इसी तरह से इसे करते रहेंगे रिपीट। और ये लीजिए, हमारे गुजिया का डिज़ाइन बनके हो चुका है तैयार। है ना बिल्कुल ईजी इसे बनाना। और ये डिज़ाइन बनाए हमने विदाउट मोल्ड के। और अब हम बनाएंगे मोल्ड से। तो इसी तरह से एक पेड़ी लेंगे और इसे भी पूरी की तरह बेल लेंगे। इसे बेलने के बाद अब हम लेंगे एक गुजिया का मोल्ड, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। और अब मोल्ड पे रख लेंगे पूरी को और इसमें भी डाल देंगे 2 चम्मच फिलिंग। और अब हम इसके किनारे को अच्छे से सील करने के लिए किनारे पे थोड़ा सा लगा देंगे पानी, ताकि अच्छे से सील हो जाए और फ्राई करते समय बिल्कुल भी खुले ना। और अब मोल्ड को बंद करते हुए अच्छे से करेंगे इसे प्रेस। और जो इसके किनारे पे एक्स्ट्रा है ना, उसे निकाल देंगे। और अब मैं आपको गुजिया निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, परफेक्ट गुजिया बनके तैयार हुई है। मोल्ड और विदाउट मोल्ड मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, तो आप जिस भी तरीके से बनाना चाहे उस तरीके से आप गुजिया को बना लें। और अब हम गुजिया करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। गुजिया को ऑयल में डालने से पहले हमेशा ऑयल को एक बार चेक करें। इस तरह से छोटी सी पोली इसमें डाल देंगे और आप देख रहे हो हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है। ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे गुजिया। गुजिया को फ्राई करते समय काफ़ी गलतियाँ करते हैं, या तो गैस का फ्लेम कर देंगे हाई या फिर मीडियम कर देते हैं, जिससे हमारी गुजिया फटाफट से गोल्डन कलर तो हो जाएगा इसका, बट अंदर से काफ़ी कच्ची होती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। गैस का फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। गुजिया को फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। और लो फ्लेम पे जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हम इसे इस तरह से पलटते हुए फ्राई करेंगे। और ये लीजिए, गुजिया को फ्राई करते हुए मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें कलर आया है। गोल्डन कलर आने के बाद अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो इसलिए अब हम इसे डाल देंगे चाशनी में। और ध्यान रहे, जब भी आप इसे चाशनी में डालें तो एक बार चाशनी को भी चेक कर लें कि हमारी चाशनी गर्म है भी या नहीं। तो हल्की सी हमारी चाशनी गर्म होनी चाहिए। चाशनी में डालने के बाद अब हम इसे एक बार उलटते पलटते हुए अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए चाशनी में रहने देंगे गुजिया को। बीच में एक बार मैं इसे फिर से पलट दूंगी इस तरह से, ताकि अच्छे से इसमें अंदर तक चाशनी जाए। 1 मिनट के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये लीजिए, हमारी गुजिया बनके हो चुकी है तैयार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।